तो आइए देखते हैं स्लाइडिंग डोर में ये जो दिख रहा है ये जी प्रोफाइल का, ये जी प्रोफाइल का हैंडल कैसे लगाते हैं। आइए आपको हम एक आसान तरीका बताते हैं, आसानी से इसको लगाया जा सकता है। जो ये स्लाइडिंग का वार्डरूप है, इस पे गोल्डन कलर का ये प्लास्टिक लगाया गया है। ये प्लास्टिक कैसे लगाते हैं इसका एक वीडियो हम बनाए हैं, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो स्लाइडिंग का ये वार्डरूप है, इसमें कौन सा हैंडल ये लगेगा कि सही रहेगा, तो ये जो देख रहे हैं ये चैनल हैंडल है। ये जितना बड़ा आपका डोर रहेगा उतना बड़ा ये हैंडल लगेगा। ये स्लाइडिंग में डोर लगाने से ये हैंडल सही रहता है। ये जो दिख रहे हैं इसके अंदर ये पूरे आराम से इसको ये अंदर इस तरह हाथ डाल के खोल सकते हैं। आइए देख लेते हैं, अभी जो डोर दिख रहा है ये जितना बड़ा डोर रहेगा उतना बड़ा ये चैनल हम काट के इसको अच्छे से यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए इस तरह ये लग जाएगा। इसको स्क्रू से टाइट कर लेंगे। अभी देखते हैं इसको स्क्रू से कैसे लगेगा। तो इस तरह देखिए ये पूरा जितना बड़ा डोर रहेगा उतना बड़ा ये चैनल का हैंडल लगेगा। तो आसान खोलने में आसानी रहता है और पाला भी मजबूत रहता है, सीधा रहता है। इसको ये इस तरह ये अंदर हाथ डालने के लिए पूरा स्पेस दिया रहता है इसमें हैंडल लगाने का। स्लाइडिंग डोर में इस तरह हैंडल लगता है। अभी जो हैंडल है ये देख रहा है इसमें ये आधा सेंटी इसका ये जो स्लाइडिंग का डोर है इसमें आधा सेंटी ये अंदर घुस जाएगा। और ये पीछे से जो है इसके पीछे से ये पल्ले के पीछे से इसमें ये स्क्रू सब लगेगा। अभी इसको होल कर लेंगे। जैसे आता है तो ये इसमें एक दो होल रहता है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा होल कर लेंगे ताकि मजबूत रहेगा। इस तरह ये इतना बड़ा है तो इसमें एक दो स्क्रू कसने से कुछ नहीं होगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्क्रू लगेगा तो मजबूत रहेगा। इस तरह हम ये ड्रिल मशीन से होल मार लेंगे लोहा वाला ये बिट लगा के। अब इसमें जो दिख रहा है इसमें ये प्लाई जो है ये डोर इसमें अंदर घुस जाएगा। ये आधा सेंटी ऊपर का है तो ये अंदर डोर घुस जाएगा। उसके बाद ये इस तरह देखिए जो डोर है इसमें आधा सेंटी घुस जाएगा तो यहाँ तक ये डोर आएगा। उसके बाद ये मजबूत हो जाएगा, अंदर घुस जाएगा आधा सेंटी तो मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह ये इसको डोर हैंडल को ये लगाएंगे। तो आइए पहले इसको होल कर लेते हैं ये चैनल में। ये चैनल का हैंडल है। अब इसमें जो दिख रहा है देखिए यहाँ पे एक होल दिया है और नीचे ये एक होल दिया है। तो इसको हम और सा इसमें और ज़्यादा होल मार लेंगे ताकि मजबूत रहेगा, स्क्रू कस देंगे। तो आइए पहले इसको होल मार लेते हैं। इसको होल मारने के इसको चैनल में होल मारने से पहले हम ये देख लेंगे ये स्क्रू ये कितना मोटा है। उसके बाद इसको ये बीट से इसको होल मारेंगे। इसको इतना होल मारेंगे कि स्क्रू भी है इसमें चैनल में ये फ्री चले, टाइट ना हो, नहीं तो चूड़ी इसका ये स्क्रू का ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको ये 4 mm का ये ड्रिल बीट से इसको होल मारेंगे ताकि इसका ये देखिए ये जो है इसका ये होल मारने के बाद ये स्क्रू जो है इसमें ये चैनल में ये फ्री चले, नहीं तो इस तरह ये टाइट चलेगा तो इसमें चूड़ी है एल्युमिनियम का है ये ख़राब हो जाएगा। एल्युमिनियम का ये चैनल है, चैनल हैंडल है और ये स्टील में स्टील का ये स्क्रू है तो इसमें चलेगा। तो अगर इसको ये होल इसको फ्री नहीं मारेंगे इस बीट से इसमें होल फ्री नहीं मारेंगे तो बाद में ये टाइट होगा, इस तरह ये चूड़ी इसका ख़राब हो जाएगा। इसको हम ड्रिल मशीन में लगा लेते हैं। ड्रिल मशीन में लगा के तब इसको होल मारते हैं। इस तरह देखिए ये होल हो जाएगा आसानी से। इसका जो होल है ये थोड़ा इस साइड में करेंगे, नहीं तो अंदर करेंगे तो ये डोर जब अंदर घुसेगा तो मजबूत नहीं पकड़ेगा, इसलिए इसको ये साइड में लगाएंगे तो सही रहेगा। तो इस तरह अगर ये नितमान के चलिए इस तरह अगर ये 0.5 mm का डोर है और इस तरह इसमें डोर ये जब अंदर घुसेगा इस तरह देखिए इतना ये डोर इसमें अंदर ये इस तरह डोर इतना इसमें अंदर जाएगा।
उसके बाद ये ऊपर से हो जाए, आगे से ये फ्रंट है और ये बैक है। तो इस तरह ये जब होल मारेंगे तो अगर ये ऊपर मारेंगे तो सही रहेगा, इसमें ज़्यादा पकड़ेगा डोर में, नहीं तो अगर नीचे मारेंगे इस तरह नीचे ज़्यादा मार देंगे इसमें पकड़ेगा ना, इसलिए इसको ये थोड़ा सा साइड छोड़ के तब इसको होल मारेंगे तो ये अच्छे से मजबूत पकड़ेगा। इस तरह ये पूरा चैनल में हम पूरा चैनल में होल मार लेते हैं, उसके बाद ये डोर में लगा के दिखाते हैं। इस तरह ये पूरा होल मारने के बाद इसको डोर में लगा लेंगे। अब ये डोर में लगाएंगे तो थोड़ा ये टाइट चलेगा, इससे थोड़ा टाइट लगेगा तो ये जो ये रबड़ का थोड़ी आता है इसको ये थोड़ा थोड़ा मार के आराम से इसको अंदर लगा लेंगे। इस तरह इसको मारेंगे आराम से कि इस भी स्क्रेच ना आए, तो बाद में दिखने में खराब लगेगा। इस तरह सब इसको अच्छे से बैठा लेंगे, उसके बाद अब ये पीछे से इसको अंदर से ये अब इसको स्क्रू टाइट कर लेते हैं। आइए देखते हैं अब स्क्रू टाइट करके तब अच्छे से देखते हैं लगा कि नहीं। अभी जो होल किए हैं इसमें ये स्क्रू को टाइट कर लेंगे। इस तरह ये पूरा स्क्रू इसको इस चैनल में टाइट करने के बाद लगा लेंगे स्क्रू पूरा, उसके बाद ये चेक कर लेंगे। अब इसमें पूरा स्क्रू लगाने के बाद आइए अब इसको बंद करके देखते हैं। तो इस तरह देखिए इसमें आसानी से पूरा एक इसको कहीं से भी हाथ लगा के खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो आइए इसको बंद कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए इसको ये देखिए आसानी से बंद हो गया। इस तरह ये चैनल हैंडल को आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह देखिए यहाँ अंदर हाथ डाल के इसको खोल सकते हैं, इस तरह ये बंद कर सकते हैं। तो इस तरह ये स्लाइडिंग डोर में हैंडल को लगाते हैं। इस तरह देखिए स्लाइडिंग वाटरप्रूफ है, इस हैंडल को ऐसे हम आसानी से लगा सकते हैं।